बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको सूरह कसस की आयत नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर के मुशाहदात और कमालात बताना चाहती हूँ, जिनको सुनने के बाद आपका इस आयत पर बहुत ही ज़्यादा एतमाद हो जाएगा और आप इसको अपने जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला चंद दिन में आपका वो काम ज़रूर हो जाएगा। एक साहब बताते हैं, मेरा नाम मोहम्मद फारूक और ताल्लुक वापडा से है। आज से तकरीबन 3 माह पहले तस्बीहाना आना शुरू हुआ। एक बार मुझे काम के दौरान 11 KV का करंट लगा था जिसमें मेरी हालत बिगड़ गई, जिसके लिए मैं हज़रत साहब के पास आया तो आपने मुझे रब्बी इन्नी लेमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर वाली आयत पढ़ने के लिए अनायत फरमाई। इसके पढ़ने की बरकत से मैं दिनों में ठीक हो गया। एक साहब बताते हैं, जब मेरा घर तामीर होने वाला था मेरे पास चंद लाख रुपये थे और ठेकेदार कहता था कि इसमें आपका काम मुकम्मल नहीं होगा, इसके लिए आपको कई लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। मैंने अपना वजीफ़ा जारी रखा जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने अपने गैब के हज़ानों से मदद फरमाई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पास पैसे कहां से आए और घर की तामीर मुकम्मल हो गई। एक साहब बताते हैं कि हज़रत हकीम साहब ने दर्स में रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर का अमल बताया था। मैं काफ़ी अरसा से बराह रात दर्स सुन रहा हूँ, कुछ दिन हुए हैं लाहौर आया हूँ। जब से मैंने ये आयत पढ़ना शुरू की है मेरा जिस चीज़ पर दिल करता था कोई ना कोई बंदा मुझे ला कर दे देता है। हमारे घर में काफ़ी अरसे से गोश्त नहीं पक रहा था। एक दिन मैं कॉलेज में था, मेरा दिल कर रहा था कि गोश्त खाऊं, मैंने ये आयत पढ़ना शुरू कर दी और जब कॉलेज से घर आया तो वाकई घर में गोश्त पका हुआ था और इस आयत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सी नेक ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। एक साहब बताते हैं कि मेरा नाम तौकीर हैदर है। हमारे तस्बीहाना के बहुत करीबी साथी मोहम्मद इरफान साहब अमेरिका में मुकीम हैं। इनकी एक सिस्टर इन लॉ जो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, इनकी बेटी के रिश्ते का मसला था जिन्होंने मुझे कल ही बताया कि हमने हज़रत साहब का अनायत करदा वजीफ़ा रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर का वजीफ़ा चंद ही दिन पढ़ा, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हमारी बेटी का बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया है और निकाह भी हो गया है। कुछ ही दिनों बाद इसकी रुख्सती तय पाई है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हज़रत साहब का साया तादेर हम पर सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।